सोडा का वीडियो है, ये आप पूरा देखें तभी किसान भाई को समझ में आएगा ये खेती है क्या। और ये लाइव कमेंट किसान भाइयों को शेयर करके बताएं, करते रहें, आगे किसान भाइयों के लिए इसी ऐसी खेती और आने वाली है तो इनके लिए जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, बालाजी एग्रो कंपनी के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज जिस खेती के बारे में बताऊंगा वो है लसोड़ा या गुंदा, अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं। और ये हाइब्रिड गुंदा ऐसे आता है, ये देख सकते हैं किसान भाई। और इनमें किसान को खेती करने में कौन सा फायदा है, क्यों करनी चाहिए, ये एक मेड़ मेड़ लगा करके आप इसकी एक्स्ट्रा आमदनी ले सकते हैं। और बहुत ही कम पानी में और कम खाद बीज में और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, और एक साल में इसको 20 से 30 केजी लसोड़ा मिल जाएगा। और ये असार के अंदर किसान भाइयों के लिए काम में आता है और इसका नॉर्मल खर्चा और किसान को एक्स्ट्रा आमदनी के लिए ये कृषि के साथ में ये खेती करना चाहिए और बाकी कोई खर्चा नहीं। किसान भाइयों, अब आगे की जानकारी हम शुरू कर रहे हैं लसोड़ा के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि लसोड़ा के कितने प्रकार होते हैं, मतलब ये इसकी कितनी किस्में होती है, ये एक जरूरी जानकारी है। जी हाँ, इसकी दो किस्म बोलो या फिर इसकी क्वालिटी बोलो, दो होती है। एक जंगली होता है और एक हाइब्रिड जो संकर बोलते हैं, जिसको कलम करके तैयार करते हैं हम लोग बालाजी एग्रो से। अच्छा, ओके ओके। तो दूसरी ये क्वेश्चन है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये मतलब खेत के क्या बाउंड्री पर लगा सकते हैं या पूरे खेत में लगानी चाहिए, इसको कौन सी खाद ऑर्गेनिक खाद देनी चाहिए, ये इसके बारे में मतलब थोड़ा क्या खेती है क्या एक्चुअली में, ये थोड़ी जानकारी किसान भाइयों के लिए आप बताने का प्रयास करें। जी हाँ, इनको किसान भाई मेड़ मेड़ लगा सकते हैं और पर बीघे में लगा सकते हैं। और ये फटाफट बढ़ने वाला पौधा है जल्दी, जो हाइब्रिड किस्म बना करके हम देते हैं वो और भी जल्दी होता है और दूसरे साल ही इसमें आमदनी शुरू कर देता है छोटी बड़ी। और जंगली होता है वो तो थोड़ा सा टाइम लेता है और दो साल के बाद में इसको पानी देने की जरूरत नहीं, बहुत कम पानी में, और इसको खाद वाद कुछ नहीं चाहिए। ये जंगली टाइप रहता है पौधा और हमेशा आमदनी देता है और इसको सर्दी और गर्मी दोनों में ये सूटेबल है। और राजस्थान में जैसे 50 डिग्री तक गर्मी है वो भी ये एक्सेप्ट कर लेता है। जी, मतलब ये गर्मी में भी पौधा अच्छा हो सकता है और सर्दी में भी ये पौधा उतना ही अच्छे तरह से बढ़ जाता है। तो अब है कि जैसे इसका मतलब किसानों के लिए आमदनी जो है वो एक मुख्य रहता है कि क्या आमदनी हो सकती है और ये किस तरह से ये गुंदा इनके लिए आय और आमदनी का साधन बन सकता है और कब तक लाएगा, कितनी आमदनी लाएगा और क्या उम्मीद लेकर इसे लगा सकते हैं किसान भाई। ये एक जो लसोड़ा का पेड़ है ये एवरेज तीसरे साल कंप्लीट हो जाता है और एक पेड़ के 25 से 40 किलो तक फ्रूट आना शुरू हो जाता है। और इनको असार में और सब्जी में काम लेते हैं वेजिटेबल में किसान भाई ज़्यादातर। और ये मंडियों में 70 रुपये से प्लस बिकता है और ये एवरेज पौधा 1000 रुपये छोड़ देता है ये किसान के लिए एक्स्ट्रा आमदनी। अच्छा अच्छा जी, ये किसान मतलब ये अचार में भी काम आता है और इसके अलावा कोई दवाई होती है उसमें भी ये काम आता है, लेकिन मुख्य लोग अचार में इसका बहुत गहरी गुंदे का जो मुख्य अचार होता है उसमें उपयोग करते हैं। जी हाँ। तो अब ये है कि जैसे ये पौधे हैं जो लगाते हैं इसके बीच में मतलब कितनी दूरी लगनी चाहिए और ये पौधा कितनी हाइट पकड़ता है, कितना बड़ा हो जाता है, ये कुछ ऐसा। ये मिनिमम 10 फीट से लेकर के 15-16 फीट तक हाइट लेता है और इनकी दूरी रहेगी वो 15 फीट पौधे टू पौधे की दूरी रहेगी नॉर्मली। और किसानों को जैसे इसको कितना पानी देना होता है और रोगों से बचा, मतलब एक रोग जो होते हैं वो हर किसी पौधे में मान लो लग जाते हैं, इंसानों को भी हो जाते हैं तो पौधों को भी हो जाते हैं, तो इस रोगों से कैसे बचाव करें और इसमें पानी की कितनी जरूरत होगी, खाद कैसे देना होगा और ये मतलब किस तरह से ये रोग का एक बोल सकते हैं मैटर। इसमें किसान भाई बालाजी एग्रो से पूरी जानकारी लें, हर समय हम आपको समय वाइज जो जैसे अलग अलग होता है, पतझड़ होता है, सर्दी का मौसम होता है, ये अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से हम बताते रहेंगे ऑर्गेनिक तरीके से किसान भाइयों को करना है। और पानी की रही बात तो एक साल तक कंटिन्यू पानी देना है, एक दिन छोड़ करके एक दिन, और उनके बाद में धीरे धीरे कम कर देना, और तीसरे साल के बाद में पानी न के बराबर देंगे तो भी चलेगा, साल में जैसे महीने में एक बार पानी देंगे तो आराम से चलेगा। ये सूखे का पौधा है जो शुष्क बागवानी में आता है पूरा। मतलब शुरू में अच्छी देखभाल, उसके बाद में ये बहुत अच्छे फल दे सकता है।
कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि मान लो ये जो पौधा है, अगर किसी किसान भाई को अगर लगाना है ये पौधा, तो किसान भाई पौधे की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी कहाँ से ले सकते हैं और इसके खरीदने के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं, और इसमें आप क्या गाइडेंस देंगे किसान भाइयों को? ये बालाजी एग्रो से खरीद सकते हैं और ऑर्डर देकर के पौधे तैयार करवा सकते हैं, कलमी पौधे। और जैसे जंगली पौधे चाहिए तो वो बालाजी एग्रो से आप ले सकते हैं बड़ी क्वांटिटी में, सबसे सस्ते में। और पूरी जानकारी वीडियो के अंत में जो वेबसाइट और नंबर देंगे उस पर कॉल करके किसान भाई ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और ये ऑर्गेनिक तरीके से भी पौधा हो सकता है ना? ये पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक। ओके ओके ओके, तो किसान भाइयों आपने देखा, ये मतलब रोग का भी इसमें अच्छी देखभाल के बाद खतरा कम होने का रहता है। ये 2-3 साल बाद फल शुरू कर देता है। पौधे के बाउंड्री पर भी लगा सकते हैं और पौधे के बीच में भी लगा सकते हैं, और तापमान कितना भी हो, ये शुष्क तापमान में भी ये पौधा लगाया जा सकता है। तो इसके लिए आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर, ये जो आपके सामने आ रहे हैं, इस पर कॉल ज़रूर करें। और ये लसोड़ा इसको बोलते हैं, और गूंदा कैरी का अचार ये आप जानते हैं कि लोग काफ़ी बनाते हैं, तो आपके लिए अच्छी आमदनी हो सकती है। आखिरी कोई संदेश आपकी तरफ से किसान भाइयों के लिए अगर हो तो सर जाते जाते दे सकते हैं आप संदेश? भाइयों, किसान को यही है जो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो किसानों के लिए नई जानकारी लेकर के आ जाएँ और किसानों को नई जानकारी मिल जाएँ।